इसरे तरह हुआ है कि मुतमईन कुरान है आयत का चेहरा कर दे के कसम खुदा की कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन इस पूरे एक मिसरे में पहली जान जो है, बहरहाल चार मिसरे इंशाल्लाह हजरात के सुने हुए होंगे, लेकिन तजमीन अगर अच्छी लग जाए तो आवाज से आवाज मिलना चाहिए। और पूरे ईरान में महफिल खत्म हो गई थी इस मिसरे के साथ। सुनिए कि ए हुसैन इब्ने अली रोजा तुम्हारा देख कर आ रहा हूँ मैं अभी, जन्नत का नक्शा देख कर आ रहा हूँ मैं अभी, जन्नत का नक्शा देख कर सारी दुनिया के अमीरों को पसीने आ गए, हम गरीबों की आजादारी का खर्चा। सुनिए मिलकर बोले जिंदाबाद। ऐसे शेर पर ऐसी सलवात पढ़े कि आप हजरात बेदार हैं, बाबा से बुलंद आ रहे सलवात। देखिए मैं शेर सुनाने बहरहाल आप हजरात आमादा हैं शेर सुनने के लिए, अदब के भी शेर सुनिए इंशाल्लाह, दामने कशकोल में ले जाइएगा और जब घर पहुंचिएगा तो शेर को सुनिएगा इंशाल्लाह महसूस होंगे। इसलिए कि जब जनाबे जैनब जो है यजीद के दरबार में पहुंची, सवाल हुआ तुमने खुदा को कैसा पाया, हजरत जनाबे जैनब ने फरमाया मराए तो इल्ला जमीला, सिवाए खूबसूरती के कुछ ना पाया। शेर सुन जाए अगर अच्छा लग जाए वालिदैन के हक में दुआ करिएगा। देखिएगा कि ए हुसैन इब्ने अली रोजा तुम्हारा देखकर आ रहा हूँ मैं अभी, जन्नत का नक्शा देखकर सारे दुनिया के अमीरों को पसीने आ गए, हम गरीबों की आजादारी का खर्चा देखकर। हाजरा सकते में है अय्यूब भी हैरत में है, बेबसी के होंठ पर इल्ला जमीला देख। इंशाल्लाह समझ में आए तो आवाज से आवाज मिलना चाहिए कि नौके नैजा पर है भाई पुश्त नाका पर बहन, नौके नैजा पर है भाई पुश्त नाका पर बहन, मुतमईन कुरान है आयत का चेहरा। नौ के नैजा हाजरा सकते में है अय्यूब भी हैरत में है, बेबसी के होंठ पर इल्ला जमीला देखकर। नौ के नैजा पर है भाई पुश्त नाका पर बहन, मुतमईन कुरान है आयत का चेहरा देख कर। के क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर, क्या नमाजों का मजा, देखे बहुत बड़ी बात है कि क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर, फिर से मिस्र पढ़ता हूँ कि क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर, मिल नहीं सकता है काबा करबला को छोड़कर। मेरे साथ रहे कि बहरहाल जिसने भी माइक लगाया है ना, मैं तो समझता हूँ कि उसने माइक बहुत खराब लगाया, पूछे क्यों, लगता है कि पीछे वालों तक माइक की आवाज ही नहीं जा रही है कि क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर, क्या नमाजों का मजा शिफा को छोड़कर, क्या नमाजों, बहरहाल जब तक ये पूरा बिनाल भर जाएगा मैं बोलता रहूंगा कि क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर, मिल नहीं सकता है काबा करबला को छोड़कर। आहिस्तगी से पढ़ता हूँ, जोर से सुनिएगा कि मिल नहीं सकता है काबा करबला को छोड़कर, लोग असली जानशीने मुस्तफा को छोड़कर, लोग असली जानशीने मुस्तफा को छोड़कर मुश्किलों में घिर गए, मुश्किल कुशा को छोड़कर। तस्वीरें कायनात का आकाश है अली, तस्वीरें कायनात का आकाश अली। मैं पीछे के बुजुर्गों और जवानों के भाइयों से दाद चाहता हूँ कि तस्वीरें कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो जो एहसास है अली, दिल को जगा दे वो जो एहसास है अली। तो ऐ बंदे मोमिन तेरा दिल है क्यों उदास,
ऐ बंदे मोमिन तेरा दिल है क्यों उदास, अरे नारा लगा के देख तेरे पास है अली, नारा लगा के देख तेरे पास है अली। मिलके मेरे साथ बोले नारे जिंदाबाद। क्यों क्या नमाजो, हमारी दिल करबला, हमारी जान करबला, हमारी रूह करबला, हमारी आरजू करबला, हमारी तमन्ना करबला, हमारी नीयत करबला, हमारा इरादा करबला, हमारा अकीदा करबला, हमारी आरजू करबला, हमारी हिम्मत करबला। इसलिए कि कोई बोले या ना बोले, मुझे यकीन है इस शेर पे पूरा फरीदपुर मेरा साथ बोलेगा कि हमारी आरजू का नाम करबला। इंशाल्लाह इस साल नसीब ना हुआ, अगले साल नसीब हो जाए सबको। कि क्या नमाजों का मजा, खा के शिफा को छोड़कर, मिल नहीं सकता है काबा करबला को छोड़कर, लोग असली जानशीने मुस्तफा को छोड़कर, मुश्किलों में गिर गए मुश्किल कुशा को छोड़कर, मुश्किलों में गिर गए मुश्किल कुशा को छोड़कर, छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, हम न जी पाएंगे अपनी करबला का। छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, छोड़कर। इंशाल्लाह धीरे धीरे सारा मजमा आ जाएगा। और बहरहाल ये मौका तो नहीं है, लेकिन जनाब सावन हल्लोरी साहब बहरहाल हमारे समाध होंगे, हमारे दरमियान होंगे। कि छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, रसूल की एक बेटी की जिसका नाम जनाब फातिमा था, सवाल करिएगा कि छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, हम न जी पाएंगे अपनी करबला को छोड़कर। तो कमली वाले मुस्तफा को चैन आता ही नहीं, फातिमा जहरा की पाकीज़ा रिदा का। तो छोड़कर जन्नत माशाल्लाह सलामत रहे, कि छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, हम ना जी पाएंगे अपनी करबला को छोड़कर। तो तख्तो ताजो सल्तनत ने उम्र भर आबादी, हसरत फिजा कहीं ना फातिमा को जा। बहुत आहिस्तगी से जल्दी जल्दी पढ़ जाता हूँ कि दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी। बहरहाल सबको तो याद है यहाँ पर, लेकिन मजबूरी है कि दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी। क्यों आई थी? दुनिया भर के गासिब की पहचान बताने आई थी, दुनिया भर के गासिब की पहचान बताने आई थी। देख मुअर्रिख देख ये है तमहीद जिहादे ज़ैनब की, ज़ैनब की माँ खुतबों से दरबार हिलाने। तो देख मुअर्रिख देख ये है तमहीद जिहादे ज़ैनब की, ज़ैनब की माँ खुतबों से दरबार हिलाने आई थी, ज़ैनब की माँ खुतबों से दरबार हिलाने आई थी। उनकी भीड़ में शहजादी आखिरी मिसरा सुने, उसके बाद मुर्शिद जलालपुरी साहब आपके हवाले है कि उनकी भीड़ में शहजादी कुरान सुनाने आई थी। बागे फिदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को, वो तो अली के दुश्मन की आका। मिलकर